हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसके बारे बहुत कम ब्रीडर ने सोचा है। अगर आपकी कॉलोनी में इस चीज़ की कमी है तो आप बेशक 1000 फार्मूले इस्तेमाल करें, फिर भी वही ब्रीड आपके परिंदे नहीं देंगे जो आप चाहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, वो चीज़ जो आपकी कॉलोनी में अगर कम हो तो आप वही ब्रीड अपने बर्ड से नहीं ले सकते जो आप चाहते हैं। वो चीज़ है, आप देख सकते हैं, यही स्टिक जिसे लाठिया कह सकते हैं, जिन पर बर्ड बैठते हैं। अगर आपकी कॉलोनी में इस चीज़ की कमी है तो आप वही ब्रीड अपने बर्ड से नहीं ले सकते। अगर आपकी कॉलोनी में यही स्टिक लाठिया कम हो जिस पर बर्ड बैठते हैं तो आपके बर्ड तरह तरह के मसाइल से दुचार हो सकते हैं, जिसमें चंद मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अगर यही स्टेक आपकी कॉलोनी में कम हो तो जब आपके बर्ड्स क्रॉसिंग करते हैं तो ये बाकी बर्ड से मुतासर होंगे। आपके बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा नहीं उड़ेंगे कम स्टेक की वजह से, तो इसकी वजह से आपके बर्ड्स चर्बी और रसूले जैसे बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। अगर लाठिया स्टिक्स आपकी कॉलोनी में कम हो तो आपके बर्ड्स अक्सर एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे। सबसे अहम बात, इसकी कमी की वजह से आपके बर्ड्स खुश नहीं होंगे। जब आपके बर्ड्स खुश नहीं होंगे तो वो आपको एक अच्छी ब्रीड किस तरह देगी? व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इसके बारे सोचा नहीं है तो आज इसके बारे सोच लो, और जितना हो सके ये स्टेक्स अपने कॉलोनी में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। वरना जितने भी खुराके फूड्स फार्मूले आप इस्तेमाल करते हो वो बिल्कुल बेकार होंगे। तो व्यूअर्स, ये एक आसान सा नुस्खा फार्मूला है जो आप आसानी के साथ अपनी कॉलोनी में ला सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।